अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब होता है। मेरे चैनल पर चिकन लॉलीपॉप की और एक रेसिपी है जो इंडो चाइनीज फ्लेवर में बनी हुई है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 पीसेस ये चिकन लॉलीपॉप के लिए हैं। इस तरह से आप घर पर भी आसानी से इसे कट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से होता है, तो हम इसे ऊपर से यहाँ से नाइफ की मदद से कट करके ये सारे गोश्त को नीचे इस तरह से कर लेना है, तो ये इस तरह का शेप आ जाता है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए एक बड़े से बाउल में इसे डाल लेंगे। इसके लिए यहाँ पर 1/2 कप दही लेंगे हम। इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 पिंच रेड फूड कलर। इसे डालकर मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है। अब इसमें हम चिकन को ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और मैरिनेट होने के लिए रखेंगे 1/2 घंटे के लिए या कम से कम 15 मिनट के लिए। अब एक ग्रिल पैन पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें ये चिकन के पीसेस रखेंगे। मीडियम से लो फ्लेम रखना है हमें और इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा इसमें पानी छूटने लगेगा और इसी पानी में ये फ्राई हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इस पर ग्रिल मार्क्स भी अच्छी तरह से आ चुके हैं। अब ये सारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में घी रखा है और उसमें हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और जल्दी से इसे ढक देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से स्मोक का फ्लेवर आ जाए। अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है इनमें। अब छोटा सा फॉइल का पीस लेंगे हम और इस तरह से लॉलीपॉप को ऊपर से लपेट लेंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। इस तरह से आप सारे चिकन लॉलीपॉप्स को इस तरह से लपेट लें। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।